संगीत की मस्ती को ही हम पीना समझ लेते हैं, बात वही मन के रंजन तक रह जाती है। भक्ति के चार चरण बताए गए हैं, नाम रूप लीला और धाम। बिना नाम की पिए रूप सामने आ ही नहीं सकता। जब नाम सिद्ध हो जाता है, पक जाता है, तो नाम क्या करता है, नामी को सामने लाने लगता है। और जब नामी यानी रूप सामने आने लगता है तो उसके साथ छेड़छाड़ प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम लीला कहते हैं। जहाँ नाम रूप और लीला तीनों इकट्ठी हो जाए वही तो धाम है। केशवा माधवा हे कृष्ण केशवा प्रेमी भी कह देता है,
नाम जिस वक्त मैंने लिया आपका, नाम जिस वक्त मैंने लिया आपका, आप मेरे हुए मैं हुआ आपका, आप मेरे हुए मैं हुआ आपका। ईश्वर माधव हे कृष्ण मधुसूदन, ईश्वर ना जाने आज कैसे इंस्पिरेशन हो रही है। आई डोंट
वही बात माया और मायापति की कि माया ने ईश्वर पे पर्दा डाल रखा है, इसलिए व्यवधान उपस्थित हो रहा है। लेकिन बात ये नहीं, बात और भी मजे की है। किसी हसीना का चेहरा यदि बेनकाब हो कितनी देर देखेंगे, मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, किसी समय के बाद वो क्रेज समाप्त हो जाएगा। यदि ईश्वर भी बेनकाब होता तो शायद कुछ समय के बाद हमारी भी तृप्ति हो जाती है। लेकिन ये जो जैसे हसीना को पर्दे में, उस सुंदरता को पर्दे में डाल दिया जाए तो देखने की उत्कंठा, देखने की ललक, देखने की प्यास और बढ़ जाती है। ये जो माया ने ईश्वर के ऊपर पर्दा डाल दिया है, मानो ईश्वर का सौंदर्य और भी अनंत गुना बढ़ा दिया है, ताकि देखने वाले उसके लिए तरसते रहें। वो ललक, वो व्यग्रता, वो वेदना, वो पीड़ा, वो क्रेज उसे देखने का बना ही रहे, यही उसकी मस्ती है। देखो हम गए, देख लो आके हम क्या से क्या हो गए। छोड़ो पर्दे में रहने की आदत तो तुम प्यारे, छोड़ो पर्दे में रहने की आदत तो तुम, सामने आके अब मुस्कुरा जाइए, सामने आके अब मुस्कुरा जाइए, सामने आके अब मुस्कुरा जाइए, सामने आके अब मुस्कुरा जाइए। जब तड़पती है आंखें तेरी याद में, तब ये करता हूं तुमसे फरियाद में, तब ये करता हूं तुमसे फरियाद में, क्या प्यास से दम घुटाया रहा है मेरा। वाह प्यारे, प्यास से दम घुटा जा रहा है मेरा, ओए प्यास प्यासे की आके मिटा जाइए, प्यास प्यासे की आके मिटा जाइए, ओए प्यास प्यासे की आके मिटा जाइए, प्यास प्यासे की आके मिटा जाइए। जब तक हो के तुमसे जुदा हम बहुत जी लिए, कृष्ण प्यारा हो के तुमसे जुदा हम बहुत जी लिए, गम जितने मिले सबके सब पी लिए, गम जितने मिले। नंदू भैया ने भी कहा भी, जीवन क्या महासमर संघर्ष संग्राम, गम जितने मिले सबके सब पी लिए, लेकिन मजबूरी क्या, तन्हा कुछ भी नहीं पी सकूंगा मैं अब प्यारे, तन्हा कुछ भी नहीं पी सकूंगा मैं, अपने हाथों से आके पिला जाइए, अपने हाथों से आके पिला जाइए, ओए अपने हाथों से आके पिला जाइए, अपने हाथों से आके पिला जाइए। केशवा माधवा हे कृष्ण Krishna Madhusudana Keshava।
कृष्ण मधुसूदन पीने की तलब नहीं है। और सूफी कहता है ये मैं है मुफ्त की, इसे बार बार पी। और पीने के बाद हम कहते हैं हमारा दिल पैमाना बन जाए, पात्र बन जाए, लेकिन बात उल्टी ही होती है। पैमाना बनने की चेष्टा की जाती है, लेकिन उसकी उदारता क्या, पैमाना नहीं मैं खाना ही बना देता है। और सूफी भी कहता है कि मैं खाना है दिल से ए जाहिद, मैं मुफ्त खिलाई जाती हूं। मैं खाना है दिल से ए जाहिद, मैं मुफ्त पिलाई जाती है, यहां दम ब दम मैं वहादत की एक नहर बहाई जाती है। मैंने क्या किया, अपने कर्मों की नहीं, अपने क्रियाकलापों की नहीं, प्यारे तेरी ही लीलाओं की, तेरे ही चर्चाओं की गाथाएं गाई जाती है। और फिर बात और भी बढ़ती जाती है। वो कहते हैं लाहौल विला के कहने से शैतान तो डर कर भागेगा। एक ऐसी महफिल सजी हुई थी, हम देखते हैं किसी के अंदर कोई देवी आ गई, देवता आ गया, या कोई कहते हैं किसी के अंदर इसके अंदर भूत आ गया, प्रेत आ गया, बड़ा हलचल करता है, उस महफिल में डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है। एक महफिल में इसी तरह किसी के अंदर किसी का आवेश हो गया, भजन कीर्तन या जो भी चीज चल रही थी उसमें खलल पड़ने लगा। एक मौलवी साहब उठे, उन्होंने कहा मुझे कुरान की इनायत आती है, मैं जल मंत्र फूंक कर मारूंगा
और इसमें से शैतान निकल कर भाग जाए। वही कोई संत भी बैठे थे, सूफी संत बैठे थे, वो मौलवी जी का हाथ पकड़ देते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहते हैं इनके अंदर शैतान का प्रवेश हो गया, पूरी महफिल में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, मैं इसे भगा रहा हूँ। सूफी उनका हाथ रोक देते हैं, पागल हो गए हो, इन महफिलों से ये भागता रहा तभी तो इस योनी में गया, अभी अपनी बात यहाँ बनाने को आया है तो तुम इसे भगाने की बात कर रहे हो। अरे इसकी बात बनी नहीं तभी तो, इसकी बात बिगड़ गई तभी तो ये इस योनी में गया, अब ये बात अपनी बनाने इस महफिल में आया है नाम का रस पीने को, और तो तुम इसे भगाने की बात कर रहे हो, पागल हो गए हो। इस महफिल में, ऐसी महफिलों में यदि सबसे पहला अधिकार है तो इन्हीं लोगों का है कि जिनकी बात बनी नहीं। इसलिए कहते हैं लाहौल मिला के कहने से शैतान तो डर कर भागेगा, लेकिन सूफी क्या कहते हैं, ले खुद भी पी उसको भी पिला, यो बिगड़ी बनाई जाती है, मैं खानाए दिल से ऐ जाहिद मैं मुफ्त पिलाई जाती है। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, हे कृष्णा।